आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The 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 question question says, read the following information carefully and answer the question which follow. There are eight friends A, B, C, D, E, F, G, H living on a eighth story building. The ground floor is number one. and next floor is number two and so on up to last floor which is number eight they all have different cards fiat honda audi renault ford tata maruti toyota but not necessary in the same order these cards are of different color red blue white black pink violet yellow and green but not necessary in same order there are three floors between the one, between the a and the one

कि देर आर थ्री फ्लोर्स बिटवीन ए एंड द वन ग्रीन बट दोनों में से और दोनों जो है इवन फ्लोर पे रहते हैं बट दोनों में से कोई भी टॉप फ्लोर पे नहीं रहता है दैट मीन्स अगर मैंने ए को रखा यहाँ पर तो कितने फ्लोर कार्स इनके बीच में तीन फ्लोर है सो वन टू थ्री यहाँ पे आ गया आपके पास क्या uh, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे आ गया आपके पास ग्रीन कलर कार यहाँ पे हो गया आपके पास ग्रीन कलर कार एक पॉसिबिलिटी बस और है बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे रखा हमने ए को सो यहाँ पे आगे आपके पास ग्रीन कलर का दो पॉसिबिलिटीज है सो हम यहाँ पे दो डायग्राम लेकर चलते हैं यहाँ पे हम दो डायग्राम लेंगे अपने आप एक डायग्राम यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है अब देखिये आगे हमें यहाँ कंडीशन में गिवन है एव एफ लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर एन है कार तो एफ जो है वो थर्ड फ्लोर पर रहेगा तो एफ यहाँ आ गया एफ ऑन थर्ड फ्लोर यहाँ पे कलर आ जाएगा एंड एफ के पास जो कार 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 है है वो टाटा तो यहां पे देखिए भी चाहिए कलर भी चाहिए तो यहाँ पे रखते हैं हम यहाँ रखते हैं ग्रीन कलर यहाँ पर कलर रखेंगे उसके बाद कार रखेंगे ठीक है इस केस में भी ये रहा आपके पास ग्रीन कलर सो तो अभी शिफ्ट कर लेंगे आगे देखिए क्या किवेन है आगे गिवन है यहाँ पर A on and have Tata car. car Now H H has fiat car and lives immediately below A. So H का भी एच है, 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 है. है, है and इसके पास जो car है that is Fiat. Then next यहाँ पर given है यहाँ पर इसके बाद given है B have Honda car. B के पास Honda car है

तो एक केस में बी को हमने यहाँ लिया तो गिवेन है कि बी के पास होंडा कार है तो यहाँ बी को रख दिया कि होंडा कार है ठीक है या फिर एक और केस ये हो सकता है कि एक दो यहाँ पर आपके पास बी आ गया एंड बी के पास होंडा कार है फिर बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए गिवेन है देर इज ऑनली वन फ्लोर बिटवीन बी एंड जी जी हुव ऑडी कार तो यहाँ पर बी है एक पर्सन छोड़ के यहाँ जी और ऑडी आ सकता है अगर हम यहां पर बी रखें तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पर जी नहीं आ सकता दैट मीन्स यहाँ पर बी नहीं आ सकता तो इस केस में क्लियर हो गया कि बी कहाँ आएगा और जी कहाँ आएगा तो यहां पर देखे यहां पर बी जो हो गया ग्रीन कलर हो गया तो यहां आ गया आपके पास तो बी ग्रीन एंड होंडा बी और जी के बीच में कितने फ्लैट है केवल एक ही फ्लोर है एंड जी के पास ऑडी कार है तो यहाँ पर बी हो गया एक फ्लोर छोड़ के यहाँ पर जी आ गया एंड यहां पर आ गया आपके पास ऑडी इस केस में देखते हैं एच और बी के बीच में कितने फ्लोर है यहाँ पर गिवन है कि एच और बी तो है एक दो. यहां पर आ गया आपके पास बी ठीक है फिर बी के पास जो कार है दैट इज होंडा बी के पास होंडा कार है एंड गिवन है कि बी और जी के बीच में एक फ्लोर है तो यहाँ तो आएगा नहीं जी बिकॉज ऑलरेडी ए है तो यहाँ पर एक फ्लोर छोड़ के यहाँ पर आ गया आपके पास जी एंड जी के पास जो कार है दैट इज ऑडी तो जी के पास हो गई है ऑडी तो यहाँ पर से शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ रखते हैं ग्रीन एंड यहाँ पर ऑडी so यहाँ आ गया आपके पास जी हो गया green, and car हो गई यहाँ पर ऑडी next इंफॉर्मेशन given है सी D, and इमीडिएटली D who एंड डी color कार तो सी के लिए गिवन है C है given है कि सी जो है इमीडिएटली D रहेगा एंड given है एंड डी हु के पास जो है वो येलो कार है डी के पास येलो कार है तो यहाँ देखिये दो कंटिन्यूस जगह कहाँ खाली है तो यहाँ पर खाली है यहाँ पर सी आ गया यहाँ पर डी आ गया एंड डी के पास जो कार है दैट इज ऑफ येलो कलर तो यहाँ पर येलो कलर आ गया इस केस में देखिये दो कंटिन्यूस जगह यहाँ पर भी टॉप पे खाली है तो यहाँ पर सी आ गया यहाँ पर डी आ गया एंड डी के पास हो गया येलो कलर कार यहां तक क्लियर है फिर आगे इंफॉर्मेशन में गिवेन है यहाँ पर कि देर इज अ गैप ऑफ टू फ्लोर बिटवीन द वन हुए येलो एंड हुआ वॉयलेट कलर कार फिर गिवेन है यहाँ तक आ गया कि येलो और वॉयलेट के बीच में कितने का गैप है दो फ्लोर का गैप है येलो और वॉयलेट के बीच में तो यहाँ पर देखिए ये रहा येलो एक दो यहां वॉयलेट आना चाहिए था बट है ही नहीं पॉसिबल तो ये रॉन्ग हो गया इस केस में देखिए ये रहा येलो एक एंड देन दो यहां पर आना चाहिए था आपके पास येलो तो यहाँ यहाँ पर वॉयलेट कलर आना चाहिए था यहाँ पर आना चाहिए था नहीं यहाँ भी पॉसिबल है येलो और वॉयलेट के बीच में दो होना चाहिए था क्या आर टू फ्लोर्स बिटवीन येलो ये, ये रहा एक दो यहाँ पर आ गया आपके पास वॉयलेट यहाँ वॉयलेट इस केस में भी एक दो यहाँ पे जी के पास आपके पास वॉयलेट आ सकता है तो यहाँ आ, आ गया आपके पास वॉयलेट वॉयलेट आ गया ठीक है फिर गिवेन है आगे द दका दवान Who have car on on one of the floor on which फ्लोर ऑन विच दर्सन रेड कलर कार तो गिवेन है कि ke niche rahega red ke तो kya के नीचे रहेगा who के नीचे क्या रहेगा? The one who have car. so Ford car जो है वो रेड कलर कार के नीचे आएगा तो अभी तक देखिए ये गलत नहीं हुआ है ये गलत नहीं है आपका करेक्ट uh, है सो so Ford कार जो है रेड के नीचे आएगा तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. फिर आगे given है देयर आर एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन द वन हु है कार एंड दू हैिवन है कंडीशन की जिसके पास टाटा की कार है जिसके पास टाटा कार है एंड जिसके पास ब्लैक कार है सो ब्लैक टाटा एंड व्हाइट सो जितना ब्लैक और टाटा के बीच में कार से उतना ही ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कार है ठीक है फिर आगे गिवेन है द वन हु हैव ब्लू कलर कार लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु हैव फोर्ड कार सो फोर्ड से नीचे आएगा अभी मैं फोर्ड के बारे में नहीं पता फोर्ड कहाँ है सो so गिवन है कि जिसके पास भी ब्लू कलर की कार होगी वो आएगा फोर्ड के नीचे फोर्ड से नीचे आएगा ब्लू कलर फिर आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन गिवन है देयर आर एज मेनी फ्लोर्स बिटवीन सी एंड ई ई हु हैव रेनॉल्ड सो सी और ई e के बीच में सी और E के बीच में ई e के पास जो कार है दैट इज रेनॉल्ड तो सी और ई e के बीच में फ्लोर्स जितने फ्लोर्स हैं, जितने फ्लोर्स हैं एज बिटवीन ए एंड द वन हैव रेड कार उतना ही ए और रेड कार के बीच में होगा ठीक है फिर आगे गिवे ने यहाँ पर द वन हैव टोयोटो कार ऑफ पिंक कलर डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर तो जिसके पास भी टोयोटो कलर टोयोटो कार होगी टोयोटा वो होगी आपकी पिंक कलर की कार बट वो रहेगी इवन फ्लोर पे ऑड पे नहीं रहेगी दैट मीन वो इवन फ्लोर पे रहेगी तो यहाँ पे देखिए टोयोटा इवन फ्लोर यहाँ पर जी जो है ऑडी हो गया है तो ए टोयोटा हो सकती है एंड सी भी टोयोटा हो सकती है अब यहाँ पर देखते हैं सी और ई e के बीच में उतने ही कार्स होंगे तो ई e जो है वो रेनॉल्ड कार है इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही जगह खाली है वो हो गई ई e की तो यहाँ पर आ गया आपके पास ई e, एंड ई e के पास जो है वो रेनॉल्ड कार है ई e के पास रेनॉल्ड कार है सो सी और ई e के बीच में सेवन पर्सन आर तो उतने ही ए और रेड के बीच में होंगे सो तो ए यहाँ पर है ए और रेड के बीच में सेवन परसेंट नहीं आ सकते तो ये वाला केस आपका रॉन्ग हो गया अब इस केस में देखिये यहां पर अगर हम रख दे ये रहा सी अगर हम यहाँ पर ई e को रख दे तो सी और ई e के बीच में दो कार्स हो गई तो ए और रेड के बीच में भी दो कार्स होनी चाहिए तो ये रहा ए एक दो ये आपका रेड कलर का कार हो सकता है तो ये हो गया आपके पास कंफर्म कि ए जो है ये रेड कलर की कार हो गई एंड ई के पास जो कार है वो है आपके पास रेनोल्ड तो यहां पर आ गई आपके पास रिनॉल्ड कार तो अब देखिए यहां पर सी और ई के बीच में दो कार है उतनी ही आपके पास ए और रेड कलर के बीच में है तो ये कंफर्म तो हो गया सो तो ये वाला केस भी यूज हो गया ये भी यूज हो गया अब रेड से नीचे जो होगा फोर्ड कार होगी एंड फोर्ड से नीचे होगा ब्लू कलर की कार तो ये ध्यान से देखिए यहाँ पर आ चुका है आपके पास ए यहाँ आ गया है ए सो so, रेड से नीचे आपके पास भी होगी एंड ब्लू कलर की कार होगी तो भी दो दो पॉसिबिलिटीज बाकी हैं फिर ये भी हो गया सी और डी वाला भी हो गया फिर टाटा और ब्लैक के बीच में उतनी ही कार है जितनी ब्लैक और व्हाइट के बीच में कार होगी सो so, एफ के लिए क्या गिवन था एफ के लिए गिवन था कि एफ थर्ड फ्लोर पे रहेगी एफ के पास टाटा कार होगी तो यहाँ पर एफ है आपके पास एंड यहाँ पे टाटा कार फिक्स है तो टाटा अगर फिक्स है तो रेड से नीचे फोर्ड आनी चाहिए तो डेफिनेटली फोर्ड आपके पास यहाँ हो गई एंड फोर्ड से नीचे ब्लू आना चाहिए डेट मीन्स ब्लू डेफिनेटली आपके पास यहाँ हो गया यहाँ पर आपके पास ब्लू कलर की कार होगी ठीक है आप देखिए टोयोटा जो है पिंक कलर की कार है तो यहाँ पर अभी टोयोटा जो है सी के पास चली जाएगी तो सी के पास हो गया पिंक कलर की कार एंड यहाँ पर आ गई आपके पास टोयोटा सी टोयोटा हो गया पिंक कलर हो गया अब यहाँ पर एक चीज और गिवेन है कि टाटा और ब्लैक के बीच में तो ये रहा आपके पास टाटा सो so, टाटा और ब्लैक के बीच में उतनी कार होगी जितनी होगी आपके पास व्हाइट और किसके बीच में तो यहाँ पर कहा पॉसिबिलिटी है ये रहा टाटा एंड यहाँ पर अगर आ जाए ब्लैक कलर कार ये रहा आपके पास टाटा ब्लैक कलर कार कहाँ आ सकती है तो टाटा ब्लैक एंड व्हाइट टाटा और ब्लैक के बीच में एक भी कार नहीं होगी टाटा और ब्लैक के बीच में सो so यहाँ पर रख दिया हमने ब्लैक एंड पर आ गया आपके पास व्हाइट यहाँ पर आ गया व्हाइट और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं तो ये गिवन है कि टाटा और ब्लैक के बीच में सो so टाटा और ब्लैक के बीच में एक भी कार नहीं है उसी तरीके से ब्लैक और व्हाइट के बीच में भी एक भी कार नहीं है तो यहाँ तक क्लियर है अब एक कार बच गई है आपके पास फियाट आ गई होंडा आ गई ऑडी आ गई Renault, Ford, टाटा मारुति नहीं आई है तो यहाँ पर हो गई डी के पास आपके पास मारुति कार फाइनल अरेन्जमेंट अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे हु अमंग द फॉलोइंग lives ऑन टॉप फ्लोर तो देखिए टॉप फ्लोर पे कौन रह रहा है यहाँ पर टॉप फ्लोर पे पिंक कलर की कार रह रही है जो टोयोटा की है एंड वो सी है तो so, सी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फोर है सो ऑप्शन नंबर फोर सी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर